अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, इससे मेरी लेटेस्ट अपलोड्स की जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाएगी। चलिए तो अब हम थर्ड डिज़ाइन देख लेते हैं जैकेट का। अब इस डिज़ाइन को हम शॉर्ट कुर्तीज़ के साथ जनरली पहनते हैं क्योंकि ये जैकेट शॉर्ट होती है। अब इसकी लेंथ मैंने 15 इंच रखी है क्योंकि हमें शॉर्ट जैकेट बनानी है। तो सपोज़ 15 इंच यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ एक मार्क लगा देती हूँ। इस तरह इसकी जो लेंथ है हम 15 इंच ले रहे हैं। अब हमारा जो आर्म होल है वो 7-7.5 इंच तक रहता है जनरली, मतलब इस टोटल जो लेंथ है हमारे जैकेट की उसका हाफ हमारा आर्म होल है। अब इसी के मिडिल पॉइंट हमें लेना है इस पूरे लेंथ का, तो ये यहाँ आ रहा है तो हम इसे मार्क कर देते हैं यहाँ पर, या फिर आप चाहें तो एक लाइन भी खींच सकते हैं हल्की डॉटेड रेफरेंस के लिए। अब सबसे पहले हम नेक बना लेते हैं। इसका नेक भी राउंड ही रहेगा तो ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बना सकते हैं। सपोज़ यहाँ 3 इंच आ रहा है नेक विड्थ, और नेक लेंथ आप जितनी चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ 5 इंच की रख रही हूँ और राउंड में रख रही हूँ। तो ये इस तरह मैंने नेक की शेप दे दी। अब इसमें हमें बीच में गैप देना है तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, मैं यहाँ लगभग 3 इंच का गैप दूंगी बीच में, तो 3 का आधा 1.5 होता है क्योंकि ये फोल्डेड है। तो यहाँ से सपोज़ 1.5 इंच यहाँ आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक गैप दे देती हूँ, एक यहाँ पे पॉइंट दे दिया मैंने रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे हमें पॉइंटेड बनाना है इसका जो कॉर्नर है, तो हम इसे यहाँ से राउंड में इससे मिलाएंगे और फिर इसी पॉइंट को हम यहाँ नेकलाइन जो हमने यहाँ बनाई थी इधर से मिलाएंगे। ये देखिए हाफ सर्कल आएगा। आप इसमें नेकलाइन ना भी बनाए तो चलेगा, यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए 3 इंच या 4 इंच जितना भी ब्रॉड आपको चाहिए अपना जैकेट उस हिसाब से आप पॉइंट बना सकते हैं। और ये हमारी डिज़ाइन तैयार है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर कट कर लें। ये राजस्थानी पैटर्न में अगर आप बनाएंगे इस जैकेट को तो ये बहुत अच्छी लगेगी, उस तरह के फैब्रिक पे आप इसको बनाएं। और प्लेन कुर्ती होती है ब्लैक कलर की या फिर वाइट कलर की, उस पर इस तरह का प्रिंटेड फैब्रिक जो राजस्थानी प्रिंट होता है वो अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ट्रेंडी दिखेगा, और आजकल इस तरह की कुर्तीज़ बहुत फैशन में भी हैं। चलिए अब हम इसे कट कर देते हैं। ध्यान रहे इसकी जो लेंथ है ये हमें छोटी ही रखनी है तभी इसका लुक आएगा। तो कट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगी। ये आप देख सकते हैं ये बीच में गैप आया, इस गैप में आप डोरी या कुछ इस तरह लगा के एक्सेसरीज लगा के भी सजा सकते हैं, या लूप्स बना के भी आप इसमें डोरी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये साइड से आपको अटैच करना है, ये यहाँ से यहाँ से आप इसमें कुर्ती में भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप कुर्ती बना रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट भी इस तरह का कपड़ा काट के आप उसमें अटैच कर सकते हैं। अगर आपको अलग से कोटी नहीं बनानी तो उसमें आपको बैक साइड नहीं बनाना पड़ेगा, आप सिर्फ फ्रंट साइड में ही इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पैटर्न रेडी हो गया है।